दोस्तों स्वागत है आपके आपके भाई के चैनल के ऊपर। आज जो हमारी एक्सिस 125 इसका फ्यूल गेज चेंज करना है, तो कैसे करते हैं फुल डिटेल वीडियो होने वाला है, तो एंड तक देखना। और प्लीज जाओ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो जल्दी जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी जरूर करना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आप ये देख सकते हो MRP 507 रुपये। इसका कोड नंबर देख लो आप, जो पार्ट नंबर रहता है। तो अब इस सीट को ओपन कर लेंगे और आपको दिखाएंगे प्रॉपर, तो एंड तक वीडियो देखना। चलिए, तो ये सारा ओपन हो गया, सिर्फ अभी ये बाकी है। तो पेट्रोल कैप को ओपन कर लेंगे आराम से। फिर जो रबर है यहाँ से हमें निकालना है, कुछ इस तरह आप देख सकते हो, इसे खींच के निकालना पड़ता है और ये निकल गया। फिर इसके नीचे एक पाइप रहता है, वो निकल जाएगा। अब तो फिर से हमें जो ढक्कन है इसे लगा लेना है, कैप को लगा लेंगे। तो अभी जो चारों बोल्ट से इसे ओपन कर लेंगे। तो अभी आपको ये जो कपलर दिख रहा है तो इसको निकाल लेना है, कुछ इस तरह से। ये छोटा वाला कपलर है इसका। तो अभी जो बोल्ट है इसे ओपन कर लेंगे। तो अभी आपको यहाँ के जो दो बोल्ट है तो इसे छोटे स्पैनर से ओपन करना पड़ेगा, जो कि रिंग स्पैनर। तो इसे ओपन कर लेते हो, क्योंकि इधर बड़ा स्पैनर नहीं लगेगा। तो जो इसके ऊपर जो एक रहता है फ्लूट, वो इसके अंदर ही रहेगा शायद से, तो अभी उसे निकालना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से एक फ्लूट रहता है, जो कि इसके ऊपर अभी नहीं है, तो इसके अंदर से निकालना पड़ेगा। ये अंदर जो फ्लूट है, इसके अंदर जो लॉक रहता है छोटा सा, छोटी छोटी पिन रहती है, वो सब कुछ इसके अंदर गिर गया है। कुछ रबर भी इसके अंदर ही है, तो ये टंकी मुझे साफ करनी पड़ेगी, तो इसके लिए बहुत टाइम लगेगा अभी, तो इसे पूरा खोलना पड़ेगा। तो अभी इसे खोल लेते हैं और फिर आपको मिलता हूँ। चलिए, तो अभी सारा सब कुछ ओपन हो गया, जैसे कि आप देख सकते हो ओपन कर लिया। तो अभी ये टंकी खोलने की बारी है, तो अभी इसे खोलते हैं। चलिए, तो अभी टंकी ओपन हो गई है। तो अभी इसके अंदर जो भी बचा कुचा पेट्रोल होगा इसे हम निकाल लेंगे और फिर से अच्छी तरीके से अंदर बाहर से क्लीन करेंगे, और सारा मटेरियल जो भी बाहर निकालेंगे। तो अभी जो बचा हुआ पेट्रोल है वो निकाल लेता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो ये टंकी के अंदर का एक फ्लूट निकल गया, जो रबर थी वो, इसका माउंट और जो वाइसर थे वो तीन ही वाइसर निकल गए है। तो आप देख सकते हो इसके अंदर एक लगा हुआ है, तो इतने सारे इसके अंदर से निकल गया ये टंकी के अंदर से। तो अभी इसे लगा देते हैं। चलिए, तो अभी हमने जैसे निकाला था उसी तरीके से सब कुछ लगा देंगे, फिर आपको मिलता हूँ। तो अभी हम फ्यूल गेज को लगा देंगे। आप ये देख सकते हो इसको ऐसे लगा देना है, कुछ इस तरह से। और इसके अंदर रबर भी रहती है, पर रबर मुझे इस बार में नहीं मिला, और जो थी वो भी खराब हो चुकी थी, जिसके आपको दिखाया मैंने, इसके अंदर का सारा कचरा निकाल दिया था तब। तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा एनाबॉन्ड लगा देंगे, एकदम नॉर्मल सा, ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा लगाएंगे। अगर आपके पास रबर है तो आप सिर्फ रबर लगाना। तो अभी इसे लगा देता हूँ मैं। चलिए, कुछ इस तरह। तो इसके ऊपर क्या, अभी जितने भी बोल्ट से चारों इसे हम टाइट कर देंगे। तो फ्यूल गेज एकदम अच्छे तरीके से इंस्टॉल हो गया है, और इसे इंस्टॉल करने के चक्कर में पुराना वाला फ्यूल गेज कितना खराब हो गया था कि वो अंदर ही गिर गया, इसके चक्कर में पूरी स्कूटी खोलनी पड़ी हमें।
तो अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना प्लीज़। जाओ जल्दी से जल्दी जाओ सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है सीवीटी बेल्ट, इसका सीवीटी बेल्ट हम चेंज करने वाले हैं, वो प्रॉपर डिटेल वीडियो होने वाला है। तो आप प्लीज़ जाओ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।